सोशल मीडिया गजब की चीज है, चाहे स्थान की दूरी हो या फिर दिलों की, दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए कम की जा सकती है और बातचीत का दौर शुरू किया जा सकता है। रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को अब कौन नहीं जानता। बिहार चुनाव में नीतीश को ललकार कर वह अपनी नई पहचान क्रिएट कर चुके हैं। नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने अब फिर से सीएम बने नीतीश को अपनी पार्टी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैनिफेस्टो भेज दिया है। मतलब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जरा आप भी समझिए अब नए डेवलपमेंट को। चिराग पासवान के ट्विटर अकाउंट की सैर करिए तो आपको शुरुआत में कुछ खास नहीं मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा जो यह जाहिर करे कि बतौर सांसद वह अहम मुद्दों पर बात करते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिल में लगी वो आग दिखेगी जिसे बिहार चुनाव में वोटरों ने धुआं धुआं कर दिया। अब आग थी तो सुलगती भी रहेगी, असर भी दिखाती रहेगी बीच बीच में। सुचिराग ने सातवीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार पर इस आग की तपिश निकाल दी है। चिराग ने 16 नवंबर को नीतीश कुमार को अपनी पार्टी एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भेज दिया और साथ में यह संदेश भी दिया कि इसमें जो भी काम वह सीएम के तौर पर अपनी सरकार से पूरे करा सके वह कर दें। यानी सरकार जेडीयू और बीजेपी की और मैनिफेस्टो भेजा गया है एलजेपी का। वह चिराग बाबू। अब यह भी समझना जरूरी होता है कि आखिर चिराग ने एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट क्यों भेजा है। दरअसल यह चिराग का नीतीश कुमार पर चुनाव के बाद कटाक्ष करने का नया अंदाज है। यह हम देख ही चुके हैं कि कैसे नीतीश को निशाने पर लेकर ही चिराग पासवान ने बिहार के चुनाव में जोरदार हमला बोला था और एनडीए से भी अलग होकर चुनाव लड़ा था। वह लगातार नीतीश पर ही हमले करते रहे हैं। अब वही चिराग अगर नीतीश को मैनिफेस्टो भेज रहे हैं तो यह भी उनकी राजनीति का ही हिस्सा है। एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट्स बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भेजकर चिराग ने नीतीश पर एक तरह से दबाव बनाने का काम भी किया है कि 4 लाख बिहारियों की राय को सीएम तवज्जो देते हैं या नहीं। जरा देखिए चिराग ने क्या कहा था। 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ ताकि उसमें से भी जो कार्य आप पूरा करा सके वह कर दें। एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने की और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई। ऐसा नहीं है कि चिराग ने एकाएक नीतीश कुमार को यह विजन डॉक्यूमेंट्स भेज दिया हो। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने शपथ ली थी और इसी दिन चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें फिर से बिहार सीएम बनने की बधाई दी थी। इस ट्वीट में भी चिराग का कटाक्ष छिपा हुआ था। पहले जरा ये ट्वीट पढ़िए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूँ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब जरा ट्वीट की भाषा पर गौर करिए। यह केवल सीएम बनने की बधाई भर नहीं है और ना ही नीतीश कुमार के साथ किसी तरह के मेलजोल की कोशिश है, यह तो प्योर कटाक्ष है। ट्वीट की आखिरी लाइन काबिले गौर करने वाली है, जब चिराग ने लिखा है कि आशा करता हूँ कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी लाइन में सारा खेल छिपा है। दरअसल नीतीश कुमार को पलटू कुमार भी कहा जाता है। वह कई बार राजनीति में पलटियां खा चुके हैं। इसमें लेटेस्ट है 2018 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाली पलटी। 2015 में नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार अंतरात्मा की आवाज बहुत सुनते हैं और 2018 में भी उन्होंने तेजस्वी को छोड़कर सुशील मोदी का साथ इसीलिए किया कि उनकी अंतरात्मा कह रही थी। चिराग ने अपनी बधाई में नीतीश की इसी राजनीतिक खूबी पर छिपे अंदाज में हमला बोला है। दूसरी बात यह है कि एनडीए की सरकार है लेकिन सीएम कम सीटों वाली पार्टी का है। ऐसे में सरकार कार्यकाल पूरा करे ये भी एक कटाक्ष ही कहा जा सकता है। बिहार के चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर रही और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को खासा नुकसान हुआ।
फायदे में रही बीजेपी, फिर भी बीजेपी ने नीतीश को ही सीएम बनाया। इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में बीजेपी इतनी मजबूत कभी नहीं रही, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इतने से ही संतुष्ट नहीं लगती है। वह बीजेपी को बिहार की स्थानीय राजनीति में अकेले दम सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी बनाना चाहते हैं, इसीलिए सीएम के नाम पर नीतीश को चुना गया ताकि संदेश सही जाए। चिराग ने इसी पर खेल कर दिया। एक और ट्वीट ध्यान देने लायक है। 16 नवंबर को चिराग पासवान ने ट्वीट किया, बिहार में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को ढेर सारी बधाई। आशा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर बिहार के सपने को नई सरकार साकार करेगी। बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत हुई है। बिहार की परिस्थितियों में बेहतर बदलाव हो या सभी बिहारी की इच्छा है। इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि चिराग का निशाना कहाँ है। उन्हें नई सरकार के मंत्रियों को बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का उल्लेख कर नीतीश को एक बार फिर निशाने पर ले लिया है। इसके पहले 11 नवंबर को भी चिराग ने ऐसा ही एक ट्वीट किया था, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है। जो परिणाम आए हैं उससे यह साफ है कि भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है या प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इन दोनों ट्वीट से समझा जा सकता है कि चिराग पासवान राजनीति के मंझे खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर हैं और वह अपने पिता की तरह न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली फिलॉसफी के बजाय सीधे सीधे राजनीतिक हित साधने में यकीन रखते हैं। चिराग के अन्य ट्वीट्स की बात करें तो हाल फिलहाल वह छठ के त्योहार की बधाई दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को छठ पर्व के पहले और दूसरे दिन बधाई दी है। पर्वों की बधाई वह देते रहते हैं। दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और चित्रगुप्त पूजा की भी बधाई उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। इसके अलावा बलिदानी बुकटेश्वर दत्त और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम नायक रहे लाला लाजपत राय को भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा के निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। इसी क्रम में चिराग पासवान ने पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य विनोबा भावे, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भी सोशल मीडिया पर याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया।